ज्योग्राफी क्लास सिक्स का लेक्चर नंबर फाइव। चलिए लेक्चर नंबर फाइव देखते हैं। पिछले क्लास में यहां तक के हो गई थी कि ग्रह के बारे में बताया था कि आठ ग्रह है, ठीक है। आज का टॉपिक है क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सा क्षुद्र ग्रह था, ये है क्षुद्र ग्रह। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है स्थित। कथा सौर परिवार में हजारों क्षुद्र ग्रह धूमकेतु और उल्काएं पिंड भी है। देखिए वहां पे आपको लिखाया गया क्या, सूर्य समेत सभी ग्रह और उनके उपग्रह क्या लाभे और भी है सौर मंडल में, क्या है क्षुद्र ग्रह धूमकेतु और उल्काए है, इनके बारे में भी अध्ययन करना हम लोग को जरूरी है। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह हैं, कहा था ना स्टार्टिंग फेज में। देखिए सौर, हम लोग जब सोलर सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पे बताया ये गया कि जो सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो ग्रह आठ ग्रह, इसमें ग्रहों की संख्या हजारों है लेकिन मुख्य ग्रह आठ है। कोई पूछे ग्रहों की संख्या कितनी है, हजारों है लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में हजारों ग्रह में मुख्य ग्रह आठ है। कितने ग्रह है, आठ ग्रह, ठीक है ना। तो कहता है कि क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह है, तो ये भी तो ग्रह है, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। यही पूछता है क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। किसके बीच स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। सभी लोग इसको नोट कर ही लिए होंगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है, लिखिए वहां पे, लिखिए सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह यह हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में, सौर मंडल में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सीरस है, है ना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सीरस। सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस। क्षुद्र ग्रह कौन है, सीरस, याद हो गया। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस है। क्या नाम है, सीरस। कथा सूर्य की परिक्रमा करते हुए आपस में टकराते रहते हैं, चूर चूर आपस में होते रहते हैं, लेकिन अगर ग्रह के श्रेणी में रख दिया जाए तो ग्रह में ऐसा नहीं होता है, ग्रह कभी आपस में टकराता नहीं है। अगर पृथ्वी और मान लिया जाए मंगल आपस में टकरा जाए तो ये तो चूर चूर हो जाएगा उसके भांति भी, और ये दोनों किसका बना हुआ है, तो ठोस पदार्थ का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली है कि ये चूर चूर हो जाएगा। ऐसा ग्रह में नहीं होती है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और स्पेशल नाम दिया गया क्षुद्र ग्रह। क्या नाम दिया गया, क्षुद्र। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते करते आपस में टकरते रहते हैं, और जिसे टकरने से ये क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। कहता उल्का प्रस्तर के रूप में जब पृथ्वी पर गिरती है तो बहुत सा गड्ढे भी बन जाते हैं। कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर भी आ जाती है, ठीक है ना। अब पृथ्वी में तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके चलते अगर इसके समीप कोई आता है तो ये इसको अपने की ओर खींच लेता है और इससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी पर भारत में एक जो बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ है, और ये उड़ीसा में है ना, जिसका आप लोग नाम जानते होंगे, चिल्का झील। यानी चिल्का झील का निर्माण किससे हुआ है, तो यही क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड के गिरने से, ठीक है ना। उल्का पिंड के गिरने से किसका निर्माण हुआ है, उल्का चिल्का झील का। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। राइट डाउन, नोट कीजिए, चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। कहते हैं बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते। अमेरिका में भी ऐसा एग्जाम्पल है, तो अमेरिका में एरिजोना प्रांत में
एरिजोना, एरिजोना एक प्रांत है, जैसे हमारे यहाँ है ना बिहार झारखंड ऐसा है, वहाँ एक एरिजोना प्रांत है अमेरिका में। तो एरिजोना गड्ढे इसी प्रकार का बना हुआ है। गड्ढा को यहाँ पे क्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेटर। देखिए आपको क्रेटर में सिखाता हूँ कि क्या क्रेटर होते हैं। मान लिया जाए कि ये क्या है, तो यह एक पहाड़ है और ये पहाड़ का ऊपरी भाग किसी कारण से गड्ढा हो गया है ना, ये गड्ढा हो गया। ये वाला जो का ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक नजर अब नहीं आएगा। इसको क्या बोल दिया गया? ये गड्ढा बन गया ना, ये पहाड़ था और यहां पे गड्ढा बन गया, इसी को कहा जाता है क्रेटर। क्या बोला जाएगा? क्रेटर। तो अमेरिका में क्रेटर यानी गड्ढे का एग्जाम्पल क्या है? उल्कापिंड से किसका निर्माण हुआ है? एरिजोना प्रांत में। कहां पे? एरिजोना। अमेरिका में 50 प्रांत है जिसमें एक एरिजोना प्रांत है, ठीक है ना। अमेरिका में एरिजोना प्रांत में बना हुआ गड्ढा यानी क्रेटर इसी का निर्माण है उल्कापिंड के गिरने से। क्लियर है? क्रेटर समझ में आ गया आप लोग को कि पहाड़ पे गड्ढा बना देना क्रेटर कहलाता है, जमीन में भी बहुत बड़ा गड्ढा बना देना भी क्रेटर ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये गड्ढे बना देता है उल्कापिंड जब पृथ्वी पर आती है। धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु गैसीय पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धूमकेतु ठोस पदार्थ होती है कि धूमकेतु गैसीय पदार्थ होती है। लिखिए, धूमकेतु गैसीय होती है। धूमकेतु गैसीय पदार्थ है जो लंबी पूंछ के रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे पूंछल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु गैसीय पदार्थ है धूमकेतु गैसीय पदार्थ है धूमकेतु गैसीय पदार्थ है जो लंबी पूंछ की जैसा नजर आता है ना, लगेगा कि एकदम पूंछ है, एक इधर इधर पूरा बड़ा मुड़ी नजर आएगा, उधर पूंछ नजर आएगा, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। एक हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कितने दिनों के बाद? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो पुच्छल तारा क्या तारा है? तो नहीं, ठीक है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली नामक पुच्छल तारा कितने दिन के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली नामक पुच्छल तारा, सारे नोट किया ना, हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। टॉपिक यहाँ समाप्त हो गई पुच्छल धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु को बोलिए या फिर पुच्छल तारा बोलिए, दोनों बात बराबर है। ये पूछ की भांति दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब है उल्काएं या आकाशीय कण, उल्काएं पिंड, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण वो जल जाता है, अपने आप प्रज्वलित हो जाता है, जल जाता है। कभी कभी इसी को हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि टूटता तारा है, और फिल्म में दिखाया जाता है कि विश मांगने पर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, है ना। तो यही धूमकेतु नजर, उल्काएं नजर आती है। क्या नजर आती है? उल्काएं। बड़ी उल्काएं पूरी तरह प्रज्वलित नहीं होती है और ये भी पृथ्वी पर गिर जाती है, ठीक है ना। और गिरते हैं तो गिरते हुए नजर भी आता है, कभी कभी ये भी गड्ढे बना लेते हैं, ठीक है ना।
ये भी उल्काएं कभी कभी क्या बना लेती है, तो ये भी उल्काएं कभी कभी गड्ढे बना लेते हैं। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर टू देखेंगे। कभी कभी यहाँ पे गड्ढे बना ले और रात में बहुत ठंडक होती है ये। ओह सॉरी, कहाँ से आ गया, गड्ढे बना लेगा तो ठंडक कैसे हो जाएगा। चलिए उल्का वैसा ग्रह या उपग्रह पर गिरते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है, तब वहां प्रज्वलित नहीं होता है। देखिए अब मान के चलिए किसी ग्रह पर हवा नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे शुक्र पर वायुमंडल नहीं है तो वहां ये गिरेगा ना, तो यहाँ प्रज्वलित नहीं होगा। घर्षण के कारण जल जाता है, कोई भी माचिस के तेल घर्षण से जलता है। लकड़ी को घर्षण से रगड़ते रहिए तो भी क्या हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा, वो भी जलेगा। प्रज्वलित होगा यानी कि वो भी क्या होगा, जलेगा। तो उल्काएं क्या होती है, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो ज्यादा रोशनी के साथ जलती है। लेकिन वैसा ग्रह या उपग्रह जहां पे वायुमंडल नहीं है, अगर ये वहां पे गिरती है तो क्या होता है, गिरती है तो वो प्रज्वलित नहीं होता है, जलता नहीं है। बिल्कुल बातें क्लियर हो रही है ना। यहाँ पे देखिए कुछ ग्रह का नाम लिखा हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। इसका व्यास दिया हुआ है, आज तक किसी एग्जाम में व्यास पूछा नहीं गया है। पृथ्वी का व्यास सिर्फ इंपॉर्टेंट है, 12756, ठीक है। इसका सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये कितना दिन में परिक्रमा, तो 365.24 दिन, या कितना मिनट, यानी मिनट में अगर कहिए घूर्णन काल क्या है तो 23 घंटा 56 मिनट, और यही बढ़ जाता है तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है। इसके उपग्रह की संख्या कितने है, एक है, और इसमें रिंग होता है क्या, बलय होता है क्या, जैसे बलय का समझिए, बलय क्या चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको मिलेगा सूर्य, ठीक है ना, यहाँ पे ये सूर्य है, और ये सूर्य के चारों ओर कुछ इस प्रकार से रिंग नजर आएगी, इसी रिंग को बोला जाएगा बलय, या कोई एक ग्रह है ये और इसी ग्रह पर रिंग नजर आएगा तो ये कहा जाएगा बलय। तो बलयों की संख्या किसके पास कितनी है, या बलय है या नहीं है, इसी के बारे में बताया जा रहा था, तो हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। तो बलय सिर्फ बलय किसके पास, ये चारों के पास बलय नहीं है, यानी जो इंटीरियर ग्रह है, आंतरिक ग्रह, समझ आ रहा है ना, आंतरिक ग्रह के पास बलय नहीं है और बाहरी ग्रहों के पास बलय है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो गैस से बना हुआ, आंतरिक ग्रह ठोस से बना हुआ था और बाहरी ग्रह गैसों से बना हुआ, तो बताइए गैसों से बने ग्रहों में बलय होती है और जो ठोस का बना हुआ उसमें बलय नहीं है। बलय को इंग्लिश में रिंग बोला जाता है, क्या बोलेंगे, रिंग या छल्ला बोलेंगे हिंदी में, छल्ला। चलिए आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, है ना। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फास्ट याद होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नोट कर लीजिएगा ग्रहों का नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इधर भी रख जाइएगा 00 1 2 63 62। देखिए यहाँ पे 63 62 है, थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग दिया, एनसीईआरटी किताब से हम लोग देखेंगे तो 63 62 ना, 63, उसके बाद ये 62, और उसके बाद 27 और 13। सबसे ज्यादा किसका ग्रह है ये पूछता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, आंसर आएगा बृहस्पति। बृहस्पति के पास 63 उपग्रह है, कितना उपग्रह है, 63। तो 00 1 2 1 2 63 62 27 13, 00 1 2 63 62 27 13, ये दोनों सही है, ये दोनों में थोड़ा करेक्शन है, कर लीजिएगा, ये 63 यहाँ पे 62, 63 62 27 13। अब पढ़ना है हम लोगों को ग्रह और उपग्रह के बारे में, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है, ए बच्ची, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है,
और उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है। उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सैटेलाइट कहा जाता है। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों और इनका व्यास, परिक्रमण काल, घूर्णन काल, ये सब आपको नीचे दिखा दिए गए। अभी आपने ऊपर को देखा, ये देखिए पूछल तारा बताया जा रहा है ना, यही हम लोग को नजर आता है कभी जलते हुए। देखिए ये धूमकेतु पूछल तारा है, ठीक है ना, धूमकेतु अर्थात पूछल तारा। ये देखिए आपको रिंग नजर आएगा, अभी मैंने फिगर दिखाया था उसमें इसी प्रकार से बलय था यानी रिंग नजर आया। कहते इनमें से प्रथम चार जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सौर परिवार के निकटवर्ती होने के कारण इसे भीतरी ग्रह कहते हैं। आपको मैंने भीतरी ग्रह के बारे में लिखवा दिया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या कहा जाता है? भीतरी ग्रह। और शेष चार ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। भीतरी ग्रह में पृथ्वी और बाहरी ग्रह में बृहस्पति सबसे विशाल है। भीतरी ग्रह में सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी। और बाहरी ग्रह में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। क्लियर है ना? कहता है हमारी दो पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र और मंगल। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह का नाम क्या है? लिखिए, पृथ्वी की दो पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। राइट डाउन लिखिए, पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। शुक्र और मंगल हैं। पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। शुक्र और मंगल हैं। पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। क्लियर है? पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? शुक्र और मंगल है। कहता शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। लिखिए, शुक्र को, अगला पॉइंट, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं या कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा। देखिए, भोर का तारा तथा सांझ का तारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। उस क्लास में जाइए ना, बोलिए, भोर का तारा तथा कोई जानो क्लास में, अरे गोड़ पर है, भोर का तारा तथा सांझ का तारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नोट कर लिए। अब ये जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग पृथ्वी जैसा आकार भी है और उसी के अनुसार देखने में भी लगता है और इसके नजदीक भी है। अब क्वेश्चन पूछे, अगर एक क्वेश्चन ये आए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए, तो नजदीक ग्रह का नाम शुक्र होगा।
मंगल पड़ोसी है जरूर, लेकिन नजदीक कौन है? शुक्र। तो लिखिए पृथ्वी का नजदीक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का नजदीक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्तीय पथ पर करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखिएगा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं। हो गया, चलिए समझिए। अब कहता है कि जिस पथ पर ये दीर्घ वृत्ताकार पर परिक्रमा करते हैं, इस पथ को ग्रह पथ या ग्रह कक्ष कहा जाता है। ठीक है, कहता है इस पथ को ऑर्बिट यानी कि रास्ता यानी ऑर्बिट पर ये लट्टू की तरह घूर्णन करता है। किसके जैसा घूर्णन करते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि ऐसे ऐसे ये घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है। लट्टू की तरह ये घूर्णन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। क्लियर है, लट्टू की तरह घूर्णन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, सबका पथ सबकी गति अलग अलग है। जितने भी यहाँ पे जितने भी